टीवी 9 भारतवर्ष पर लुधियाना ब्लास्ट का पर एक बहुत बड़ा अपडेट है। आईएसआई और बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने इस पूरी साजिश को रचा। यहां सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जांच में पंजाब के गैंगस्टर रेंदा का नाम सामने आया है। जी हां, सूत्रों के हिसाब से ये खबर बताई जा रही है कि पाकिस्तान में बैठकर पंजाब के खिलाफ साजिश रच रहा है रेंदा। और ये एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि किस तरीके से बब्बर खालसा इंटरनेशनल का हाथ सीधे तौर पर और पाकिस्तान में बैठकर ना सिर्फ इस ब्लास्ट की साजिश को अंजाम दिया गया या फिर साजिश रची गई, बल्कि ये भी कि पंजाब में किस तरीके से एक बड़ा धमाका करने की कोशिश की जा रही थी। और लगातार इससे जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। जी हां, लुधियाना ब्लास्ट पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। ब्लास्ट में करीब 1 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। धमाके में पंजाब के गैंगस्टर रेंदा के नाम का खुलासा हुआ है। 2 साल से पाकिस्तान में गैंगस्टर रेंदा रह रहा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है ये गैंगस्टर और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इस मामले में तफ्तीश में जुट गई है। और हमारे साथ इस खबर पर पूरे अपडेट के साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं दिल्ली से और मोहित मल्होत्रा है पंजाब से। मैं सबसे पहले रुख करता हूं जितेंद्र आपका, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपडेट आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी इसमें जुड़ेगी, लगातार इन्वेस्टिगेट करिए, क्या कुछ अपडेट है जितेंद्र इसमें? बिल्कुल सुमित, देखिए इसमें एनआईए तफ्तीश कर रही है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अपने लेवल पर तफ्तीश कर रही है, इसके अलावा पंजाब पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। लेकिन अब तक की जो तफ्तीश का निचोड़ निकला है उसमें साफ तौर पर जो इशारा है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की तरफ जाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जैसे कि अब तक की जांच में पता चला है कि जो रिंदा है उसका पूरा नाम हरविंदर सिंह रिंदा है, पंजाब का रहने वाला है और ये पिछले 2 साल से इसकी जो लोकेशन है वो पाकिस्तान के अंदर है। बताया जा रहा है कि आईएसआई की सरपरस्ती में पाकिस्तान के अंदर रह रहा था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल का एक्टिव मेंबर है बताया जाता है उस, और पाकिस्तान में बैठकर आईएसआई की सरपरस्ती में पंजाब में लगातार खालिस्तानी मूवमेंट को एक बार फिर हवा देने की कोशिश कर रहा था। और अब जैसा कि ये ब्लास्ट हुआ लुधियाना कोर्ट के अंदर, अब उसमें सीधे तौर पर इसके तार भी आईएसआई से जुड़ते दिख रहे हैं और साफ तौर पर ये बात लगभग जांच एजेंसियों के हाथ में कुछ पुख्ता सबूत लगे जो इस तरफ इशारा करते हैं कि इस ब्लास्ट की जो साजिश है वो हरविंदर सिंह एलियास रिंदा ने रची है, जो कि पंजाब का गैंगस्टर था, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और आईएसआई के इशारे पर ये पूरी साजिश तैयार की गई थी। लगातार माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं मैं, इस पे हमारे मोहित मल्होत्रा सहयोगी को भी जोड़ लेता हूं। मोहित, अगर खासतौर पर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि बॉम्ब को एक्टिवेट करते हुए ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ पता लग पाया है खासतौर पर वहां पर जो टीम मौजूद है लुधियाना में कि किस तरीके से इनका टारगेट था, क्या साजिश थी इनकी और कितना बड़ा ब्लास्ट करने की कोशिश ये कर रहे थे? देखिए, इन लोगों ने पूरी रेकी कर रखी थी। जो गगनदीप है जो कि पंजाब पुलिस का ही पूर्व कांस्टेबल है, वो ड्रग्स केस में 2 साल जेल में रहा था और इसी दौरान उसके गैंगस्टर्स के साथ संबंध बने। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पंजाब के जो गैंगस्टर हैं उनको अपने साथ मिलाकर और उन तक ड्रग्स के साथ ही हथियारों की विस्फोटक की बड़ी खेप भेजकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में लगी रहती है। पंजाब पुलिस ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे जो मॉड्यूल हैं उनको तोड़ा है जिसमें गैंगस्टर्स का इस्तेमाल किया जाना था टारगेट किलिंग्स के लिए और अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने के लिए। तो इस घटना में भी माना जा रहा है कि ये जो गगनदीप था इसको बताया गया था कि इसको विस्फोटक कहाँ से मिलेगा और विस्फोटक लेकर इसको उसको असेंबल कैसे करना है और उसके बाद ब्लास्ट कैसे करना है। ये सुसाइड बॉम्बर नहीं था, ये वहां पर असेंबल करने के लिए पहुंचा था। लेडीज टॉयलेट को इसलिए चुना गया क्योंकि वहां पर आवाजाही कम रहती है, आसानी के साथ लेडीज टॉयलेट में घुसा और खुद को अंदर लॉक कर दिया। लेकिन जब ये आरडीएक्स लगा हुआ बॉम्ब उसको एक्टिवेट कर रहा था, असेंबल कर रहा था, इसी दौरान इससे गलती हुई और वहीं पर धमाका हो गया। और जो चश्मदीद हैं वो लगातार ये बात कह रहे थे कि जी ये सामान्य धमाका नहीं है, क्योंकि टिफिन बॉम्ब के 2 धमाके इससे पहले पंजाब में करने की कोशिश की गई है लेकिन ये दोनों ही धमाके इतनी ज्यादा इंटेंसिटी के नहीं थे। और इस पूरे मामले में आरडीएक्स के इस्तेमाल की बात पहले ही निकलकर सामने आ रही थी जो कि अब कंफर्म भी हो गई है। टीवी 9 भारतवर्ष पर हम लगातार ये बात कह रहे थे कि आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया और जो आईएसआई की कोशिश है कि खालिस्तान समर्थक आतंकियों को फिर से रिवाइव किया जाए, वो जो आतंकवाद का दौर है पंजाब में उसको फिर से खड़ा किया जाए, उसी का ये प्रयास था। बब्बर खालसा इंटरनेशनल ग्रुप
पंजाब में कहीं भी नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन उसको फिर से खड़ा करने के लिए गैंगस्टर रिंदा का इस्तेमाल आईएसआई के द्वारा किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, और आपका भी मोहित, क्योंकि लगातार मोहित और जितेंद्र हम तक ये अपडेट पहुंचा रहे थे कि किस तरीके से आईएसआई सीधे तौर पर बब्बर खालसा को एक्टिवेट करने की या फिर उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रही है पंजाब में और आतंकवाद को दोबारा से खड़ा करना चाहती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।